हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया, मैं शांतनु। सेट टू गो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ गोकर्णा से मुद्रेश्वर टेंपल। मुद्रेश्वर टेंपल, मुद्रेश्वर बीच, ये सब घूम के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मारावंते बीच, जो के और एक बहुत ही फेमस बीच है कर्नाटक का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गोकर्ण से मुद्रेश्वर टेम्पल का डिस्टेंस पड़ता है 75 किलोमीटर, जो मुझे करीब करीब 2 घंटा लगा था। यहाँ आके टेम्पल के सामने मैंने एक होटल ले लिया था, जिसका रेंट पड़ा था 2000 रुपीज पर नाइट के हिसाब से। और यहाँ पे अच्छा ऑप्शन भी है, चाहे तो आप कम बजट में भी होटल मिल जाएगा आपको, और चाहे तो ज़्यादा बजट में भी होटल मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरे सामने अभी जो देख रहे हैं ये है मुद्रेश्वर टेम्पल। तो चलिए पहले थोड़ा बीच घूम लेते हैं। मंदिर के बगल में ही RNS होटल बोल के एक होटल मिला था, जो के मुद्रेश्वर का सबसे बेस्ट होटल है, लेकिन 5,500 से शुरू होता है इसका टैरिफ। तो मैं अकेला बंदा, बस रात ही गुजरना था, इसीलिए वहाँ पे मैंने ले लिया। वहाँ पे एक स्वीट रूम मैंने देखा जिसका रेंट था 8,500। भाई साहब, वो रूम मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा तो प्लानिंग है नेक्स्ट टाइम मैं एक रात के लिए भी उस रूम में जरूर रहूंगा। दोस्तों, मैं हूँ टेम्पल के सामने का बीच में, इधर में फ्लोटिंग डेक, तो ये मुझे देखना है। ये देखिए कैसे बना हुआ है ये डेक, इसके ऊपर से आपको जाना है और 100 रुपीज करके इसका टिकट है। वेव्स आ रहे हैं तब आपको देखिए ऐसे ऐसे करके हिलाएगा, मतलब शायद आप देख पा रहे होंगे कैसे इसका मूवमेंट हो रहा है। मेरे ख्याल से रात को तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि साइड में पूरा लाइट दिया हुआ है। वाओ, आई एम एंजॉयिंग इट। टेंपल में आके इस पे तो जरूर आना चाहिए। Oh my God! देखिए कैसा हो रहा है ये, such an amazing. Such a wonderful experience. Oh, बहुत बढ़िया। बीच पे आप ये सब एक्टिविटी कर सकते हैं, देखिए सारे रेट्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है।
बहुत भीड़ है लेकिन सभी मजा कर रहे हैं और काफी बड़ा बीच है। ये देखिए सामने क्या हो रहा है, एक बॉल के अंदर बच्चे को रख के फिर उसको फुलाया जा रहा है, फिर उसको समंदर के पानी में ले जाके, मतलब वही एक्टिविटी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए अभी ये लोग जा रहा है, देखिए अच्छा चीज है। घोड़े भी है, कैमल भी है, लेकिन ये कैसा कैमल है। देखिए कैमल के सामने भी फोन पे का स्कैनर लगा हुआ है, अब स्कैन करो और कैमल पे चढ़ जाओ, यही बात है। सामने देखिए दोस्तों बोट पे चढ़ने के लिए कितना भीड़, कितना आदमी बैठा है बोट पे। ये भाई साहब तो पूरा एकदम बीच पे समुंदर के पास ही गाड़ी लेके आ गया, अचानक से अगर पानी आ गया तो फिर क्या हो गया। ओ देखिए बोटिंग टिकट काउंटर में भीड़ देखिए कैसा, चलिए दोस्तों अब मंदिर का अंदर चलते हैं।
दोस्तों किसी मंदिर में लिफ्ट, ये तो मैं पहला बार देख रहा हूँ। ये ऊपर परिसर में जाने के लिए लिफ्ट है, अपर फ्लोर में जाने के लिए ये लिफ्ट है, और देखिए कितना लाइन है इसमें। और एक बात है, ये लिफ्ट में जाने के लिए आपको 20 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा, जिसका टिकट काउंटर है यहाँ पे, यहाँ से आप टिकट लेके फिर जा सकते हैं। एज यूजल ये मंदिर के अंदर भी आप कैमरा लेके नहीं जा सकते हो, चाहे आप मोबाइल से भी कैप्चर नहीं कर सकते हो, इसीलिए मैं अंदर नहीं गया, तो बाहर से ही मैं फोटोज ले रहा हूँ और आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मुद्रेश्वर का वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट पे ज़रूर बताना। तो चलिए अभी आपको कुछ ड्रोन व्यू दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मुद्रेश्वर टेम्पल से मैं चल पड़ा उडुपी के लिए। रास्ते में मिला मुझे मारावंते बीच, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसा है मारावंते बीच।
तो ये था मरावंते बीच। वीडियो कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना दोस्तों, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उन लोगों को रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ दोस्तों। सब अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, जुड़े रहिएगा सेट टू गो के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।